हाँ भाई केला, सही हो ना तुम? बढ़िया हूँ सर, एकदम पका हुआ हूँ, और एकदम ऐसा भी नहीं पका हूँ कि कुछ गड़बड़ हो जाए, एकदम पका हूँ, परफेक्ट, एकदम फिट हूँ, एकदम वन टू। अभी इतना उछल रहे हो, घर पहुंचते ही अभी फिर तुम्हारे नाटक शुरू हो जाएंगे। एक साल भी मुझे ऐसे रखे रहोगे, कुछ भी नहीं होगा एकदम। ये देखो भाई सब, ये देखो, और फ्रेशनेस देखो चेहरे पे। तो 5 दिन यहाँ चल गए, मेरे घर 2 दिन तो चल जाओगे ना? देखो दूसरे फ्रूट्स के साथ होता होगा, मेरी उम्र ही कितनी, अभी 5 दिन से यहाँ पे हूँ और सेम कंडीशन में हूँ एकदम। प्लीज मुझे लेके चलो एकदम, आप मुझे एकदम बहुत लंबा एंजॉय करोगे, प्लीज लेके चलो, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो ठीक है भैया, ये दे दो इसको 1 दर्जन। हाँ ठीक है, मैं एकदम एकदम फिट हूँ, वैसा ही रहूंगा। हाँ अरे क्या हुआ? कौन है? अरे अभी लेके तो बस तुमको आया हूँ, नहाने गया तो मैं खाना खाया बस, और किया ही क्या मैंने? नहीं, मुझे मत खाओ, मैं खराब हो चुका हूँ। उसके यहाँ तो तुम 5 दिन तक उछल रहे थे, मेरे यहाँ 4 घंटे भी नहीं चले तुम। 4 घंटा 45 मिनट हो चुकी मेरी जिंदगी, और कितना तुमको क्या लग रहा है, हम लोग का 10 साल जीते हैं क्या? ऊपर से उसमें 2 घंटा मुझे फ्रिज में रखा, इतनी ठंड लग गई मुझे पूरा, मैं जगह जगह से पिलपिला गया हूँ। मुझे मत खाओ। तो क्या धूप में रख देता तुमको? मुझे प्लीज वापस मुझे दुकान में छोड़ो, मुझे अपने फल वाले भैया की बहुत याद आ रही है, मैं यहाँ जी नहीं पाऊंगा। अरे मैं खा लूंगा, कुछ नहीं होगा, आओ। अरे दिख नहीं रहा है तुमको? चलेगा मुझे, मैं ऐसा सड़ा सड़ा पार्ट काट दूंगा तुम्हारा, बाकी का खा लूंगा, बस मैं खराब होने वाला हूँ। हेलो, हाँ कहाँ जा रहे हो? हाँ सर पार्टी ऑफिस आ रहा हूँ सर। एक काम करो, रास्ते में एक बस खड़ी है उसमें बैठ जाओ। ये 420 नंबर में? हाँ वही, उसमें बैठ जाओ। ठीक है बैठ रहा हूँ सर, बैठ रहा हूँ। हाँ सर ये बस पहुंच गई है, ये दूसरी पार्टी के ऑफिस पे। हाँ ठीक है, अंदर मत जाना, बाहर खड़े रहना, मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है बाहर ही रहना। ठीक है सर, मैं वेट कर रहा हूँ, बाहर ही खड़े हैं हम लोग। ठीक है, हाँ सुनो पार्टी ऑफिस आ जाओ। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, चलो भाई बस में बैठो, पार्टी ऑफिस चलना, बस में बैठो सब। हाँ सर हम लोग यहाँ पार्टी ऑफिस पहुंच गए, यहाँ तो ताला लगा है। अरे उन्हीं के पार्टी ऑफिस आना है, वहां बाहर खड़े हो तो वहीं अंदर आने को बोलूंगा ना, उन्हीं के पार्टी ऑफिस आना है। कंफ्यूजन हो गया सर, ठीक है पहुंचते हैं हम लोग, पहुंचते हैं। अरे उन्हीं के पार्टी ऑफिस जाना है, बस में बैठो, बस में बैठो। हाँ सर हम लोग लोकेशन में पहुंच गए, यहीं पे उनका ऑफिस था, अभी तो है ही नहीं। अरे लोकेशन सही है, उन्हीं का पार्टी ऑफिस अब अपना पार्टी ऑफिस हो गया है। अरे तो अभी मैं कहाँ आऊँ सर? पार्टी ऑफिस? किसके ऑफिस सर? किसकी पार्टी? कौन सी पार्टी? कौन सा ऑफिस सर? हम लोग नेता है सर कि लूडो की गोटी है सर? कितना इधर उधर होंगे? हेलो हेलो सर, हेलो। तुम सही कह रहे हो। थैंक यू सर, मैं सर बस जनता की सेवा करना चाहता हूँ, अगर उसमें एक दो लोगों की आंखें भी खुल जाए तो मतलब बहुत ही अच्छी। नहीं मेरा मतलब है तुम सही कह रहे हो, तुम नेता बनने के लायक ही नहीं हो एक्चुअली। सर तो अभी मैं कहाँ जाऊँ सर? तुम घर जाओ, पुलिस में वहीं भेजता हूँ। ठीक है पहुंचो। बहुत फनी और बहुत इंटेलेक्चुअल साउंड करते हो आप मुझे, मैंने ये तो कभी पूछा ही नहीं। आपका फ्लैट कौन सा है? नहीं मेरा खुद का नहीं है, मैं टेनेंट हूँ एक्चुअली। क्या आप टेनेंट हैं? जी। पहले कभी बताया नहीं ना, एक मिनट छुआ मत भाई, पहले कभी बताया नहीं ना आपने मुझे। अरे उसमें बताने का क्या है, शाम नहीं, को कोई जरूरत नहीं शाम को। अरे क्या हो गया? अरे हट। अरे ऐसे क्यों आप बोल रहे हो? टेनेंट कहीं का? हाँ तो उसी ने किया होगा यार, इन टेनेंट लोगों से तुम एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हो, ये टेनेंट लोगों की कौम ही ऐसी है। अरे वो बुजुर्ग है और वो टी वर्ड है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ उनको, वरना देता दो रख के। कल रात 10 बजे बिल्डिंग में चोरी हुई है, सारे टेनेंट लोगों को पूछो कि कल रात 10 बजे कहाँ पे थे, सबको पूछो। किसी टेनेंट के घर में चोरी हुई है? चोर के घर में चोरी? अरे मैंने इन्फॉर्मेशन डाली तो थी, आप वो ओनर वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो गया? इनको ऐड करो। अच्छा आप टेनेंट हो? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इसीलिए नई इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी आप तक। वो हम लोगों का ओनर लोगों का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ हम लोग जैसे अलग इंसान भी होते हैं ना, मेरा मतलब है अलग घर वाले हैं ना इसलिए। नहीं हमको हमारे परिवार ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, हम तो ये टेनेंट लोगों के यहाँ जाके बैठ के खाना पीना पानी वानी तक पी के आ जाते हैं, पर मन में कोई वो नहीं लगता है कि अरे टेनेंट क्या खा पी लिया, सब इंसान तो एक ही है ना, है कि नहीं? अच्छा अब टेनेंट लोगों को भी गेस्ट पार्किंग चाहिए, आज ये गेस्ट पार्किंग मांग रहे, कल को ये उठ के आरक्षण मांगने लगेंगे, तब क्या करेंगे? स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे शो यादों की बारात में, मेरा नाम राजेश है और कुछ रंगीन गाने सुनते हैं। सर पिछले 2 घंटे से लगातार गाने बज रहे हैं, थोड़े से ऐड चला दीजिए। अरे यार तब से गाने चल रहे हैं, एक माहौल बना हुआ है, एक ऐड के लिए अब वो बिगाड़ दूं क्या मैं? सर रतन टाटा सर खुद बाहर खड़े बोल रहे हैं मेरा ऐड चला दो, एक मिनट। ये दो गाने जो हैं लिस्ट में, जरा ये खत्म हो जाए उसके बाद चलाते, एक माहौल है यार एक। ठीक है हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है दक्ष और मैं ता नहीं हूं किसी को बख्श, और स्वागत है आपका मेरे नए शो जिसका नाम है ट्रेंडिंग ट्यून्स। इसमें हम इंस्टाग्राम की रील पे ट्रेंडिंग सारे गाने बजाएंगे, पर सिर्फ एक लाइन के, क्योंकि दूसरी लाइन में मैं अपनी फटी आवाज लेकर उसमें घुस जाऊंगा और उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। तो चलिए लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड गाइस। सोशल मीडिया पे हुकुम चलाए, क्या सुना आपने? क्या जयसवाल स्वेटर में सेल लगी है? क्या सच में? अरे हाँ भाई हाँ, पूरा 60% ऑफ है, 60% ऑफ। मैं तो चलिए अभी मैं भी चला,
आप लोग भी गाने सुनिए, मैं जरा स्वेटर लेके आता हूँ जैसवाल स्टोर से। पीजिए तो अपनी मर्जी से, पर पी के गाड़ी मत चलाइएगा, ट्रैफिक नियमों का ध्यान दीजिए। लेट्स गेट द पार्टी गोइंग। क्या है भाई, पूरे 30 सेकंड हो गए गाना बजते हुए, ऐड नहीं है क्या कोई दूसरा? एक मिनट रुको, जैसे बीट ड्रॉप होने वाली होगी तब बोलूंगा। अरे शुक्ला जी, क्या चीनी का भाव पता चला क्या? क्या है भाव? अरे यार ये टप्पू की बदमाशी। अरे क्या टप्पू टप्पू यार, क्या टप्पू, कितना अच्छा लड़का है मालूम, भगवान का बच्चा है वो। ऐसी औलाद मेरी हो ना तो 100 मंदिर जाऊं, वो भी नंगे पैर। मेरा बच्चा कल पान वाला पकड़ के लाया, उसको बोला कि उसकी टपरी के बगल में बैठ के जॉइंट बना रहा था। अरे तो जवानी तो उम्र ही इन सब चीजों की है। ये उम्र होती है? 7 साल का है वो अभी। क्या टप्पू सेना ये, टप्पू सेना वो, ये टप्पू सेना बोल के ये लोग सेना का नाम खराब करते हैं। सही बात है, सही बात है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, हमसे कभी पूछते हैं? कोई भी मर्जी होती है, अपना मर्जी का कलर करवा देते सोसाइटी पे। हमसे पूछा मेंटेनेंस तो हम भी भरते हैं भाई, वो जीपीएल होता है, यही सब साले मिलके बस खेलते हैं, हम लोग छत पे खड़ा कर देते हैं। क्या ताली बजाओ, ऐसे करो, ये करने के लिए हम लोग क्या बस। करेक्ट बात बोली एकदम। इनके अलावा कोई नहीं सुखी सोसाइटी में, वो अब्दुल उससे बड़ा गधा धंधे वाला नहीं देखा मैंने। 20 साल से वही छोटी सी दुकान खोल के वही सोडा। अबे कुछ तो तरक्की कर ले जीवन में, यही मरेगा क्या आखिरी तक? पर छोड़ो ना हमको क्या, और मुझे तो लगता है ना ये सब झूठ बोलते हैं वो अय्यर साइंटिस्ट। मैं साइंटिस्ट हूँ। कहाँ का साइंटिस्ट है वो, कौन सी कंपनी में काम करता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ मालूम है? कुछ बनाया उसने आज तक? क्या करता है वो, नाले के पानी से गैस बनाता है कि क्या करता है? कुछ तो पता होना चाहिए ना हम लोगों को। अरे उसको छोड़ो, मैं इतना परेशान हो गया हूं ना, इस सोसाइटी में एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको देख के मेरा मन करता हो कि भाई यहीं रुकूं, कहीं जाऊं नहीं। एक चीज तो है पर। क्या वो? अरे माधवी अभी आपका आचार चाहिए था। थैंक यू शाक्स, मुझे डील नहीं मिली पर आप लोगों से बहुत सारा ज्ञान मिला है, बहुत नॉलेज मिली है, जिसको मैं डेफिनेटली अपने बिजनेस में यूज करूंगा और डेफिनेटली अगले सीजन में मिलूंगा। थैंक यू। कैसा था भाई शार्क टैंक का एक्सपीरियंस, कैसा लगा सबसे मिलके? चूतिए हैं भाई, सब चूतिए हैं, जितने बैठे हैं कुछ नहीं आता किसी को, धंधे की तो तमीज ही नहीं है। मैं बताऊं तुमको, वही को बैठता है जो स्पीकर बेचता है, बात करने की तमीज नहीं उसको। उसके बगल में वो बैठता है अपने आपको आयरन मैन समझता है, जो कुछ नहीं आता भाई, वो सोचता है कि वो अमेरिका में बैठा है, उसको मालूम नहीं धंधा यहाँ कैसे चलाया जाता है। वो बैठता है वो चश्मे वाला, वो लड़का ठीक है लेकिन वो गलत लोगों के बीच में फंस गया। एक फिर वो बैठती है मेडिकल स्टोर वाली मैडम, वो आउट होने के लिए बैठी, केवल इतनी बार मैक्सवेल नहीं आउट होता जितनी बार वो आउट हो जाती। एक नंबर का टट्टी शो है भाई, मेरा बस चलता है, इसका नाम शार्क टैंक नहीं, इसका नाम सीवर टैंक होना चाहिए था। और भी दो चार आते हैं जो बदलते बदलते रहते हैं, मेरे को मालूम भी नहीं वो लोग कौन है, मैं तो बस ऐसे करके आ गया। अब मैं क्या करूंगा मालूम है ना, जहां पर उन्होंने नो बोला वीडियो से उतना पार्ट काट के अपनी 15-20 रील्स में लगाऊंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा मैं कैसे बेटर हूं उन लोग से, उनको बताऊंगा मैं धंधा चलाया कैसे जाता है, कितने का मालिक है वो, होंगे लाखों के और ज्यादा भाई, करोड़ों के होंगे, अरबों खरबों के हैं। हाँ चलो अरबों, हाँ ठीक है चलो, होंगे अरबों खरबों के मालिक, अपने घर में होंगे। यहां धंधा कैसे करना है ना ये मुझे मालूम है, हर इंडस्ट्री में एक गुंडा होता है और इस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूं। मम्मी आ रही हूं, उधर मुंह कर लो, बोलेंगे सब्जी लेने गया था, इतना टाइम कहां लगा दिया। 55 रुपए हुए माता जी। मैं अपने लड़के को फोन कर रही हूँ, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है? अरे उसको बहुत नॉलेज है, ये सब कंप्यूटर का बहुत बड़ा मास्टर है वो। अच्छा अच्छा, पैसा वैसा तो यूं खट से भेज देता है। बढ़िया है बढ़िया है। हेलो। हाँ मम्मी बोलो, क्या हुआ? हाँ बेटा, ये इधर आम वाले भैया खड़े, इनके से एक आम लिया है, अच्छा लग रहा था मुझे, तो इनको 55 रुपए जरा इनके ट्रांसफर कर दो। ठीक है भेजता हूँ, उनका UPI ID भेज दो मुझे। अब वो सब मुझे नहीं पता, नाम बताओ अपना। मनोज, मनोज नाम है हमारा, हमारे अकाउंट में भेजना। हाँ मनोज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अरे नहीं है, अरे मनोज क्या, मनोज वाजपेयी है क्या वो, या तो उसका, या तो क्या हो, QR होगा, QR या तो प्यार हो। अरे QR मम्मी, QR हो, आपके पास आपका QR हो तो बता, वो भेज दीजिए, मेरे लड़के को WhatsApp कर दीजिए, तो वो आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। हम उनको WhatsApp कर देते हैं, ये कर रहे हैं WhatsApp, लेकिन उनका तो नंबर नहीं है हमारे पास। तुम्हारा नंबर नहीं पता है इनको, तो ये कह रहे हैं WhatsApp नहीं कर पाएंगे। अरे तो नंबर बता दो ना मम्मी। इनको नंबर बता दूं तुम्हारा, वो तो मुझे पता नहीं है। अरे तो फोन में देख के बता दो ना, अभी दिख जाएगा स्क्रीन में पे। देख के तो बेटा चश्मा मैं लाई नहीं हूँ, अभी नहीं हो पाएगा। अरे तो एक काम करो, मेरी उससे बात कराओ। आपको मैं अपना फोन दे देती हूँ, फोन आप तो इसको जो है मेरे लड़के को अपना व्हाट्सएप कर दो, अकाउंट का जो भी है, ये लीजिए भेज दिया उनको। हाँ बेटा आया क्या, एक मिनट चेक कर लेना, कुछ पैसा वैसा तो नहीं निकाल लिया ना अकाउंट से मेरे, आया तो नहीं, अभी तक भी नहीं आया है। पहुंच गया भैया आपके अकाउंट में, देखिए अपना चेक करिए, फोन मिला के पूछ लीजिए बैंक में। हाँ भेज दिए होंगे पर मेरे पास आया नहीं अभी तक। अरे मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, वो दिखा दो उसको। आ गया भैया, ये देखिए, थोड़ा पीछे करिए तब तो देख पाएंगे। हाँ मतलब देखिए, ठीक है, आ गया, मैसेज भी आ गया काट दिया, ठीक है, थैंक यू, ठीक है माता जी। हाँ बेटा पहुंच गया उनको पैसा। तो ये मुझे क्यों बता रही हो फोन? मैंने कहा बता दूं, तुम पता चला दोबारा भेज दो तो। अरे मैंने ही तो स्क्रीनशॉट भेजा था आपको, क्यों दोबारा भेज दूंगा मैं। अरे ये गोभी कैसे दिया, 12 रुपए की?
दे दो एक मिनट, मैं अपने बेटे से आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देती हूँ। हेलो, आगे से किधर? आगे से राइट लेना है। राइट है ना, तू साथ में रहता है यार तो ऐसा लगता है कि रास्ते का पता नहीं चलता है, मतलब एकदम। मैं तो बस अपना काम करता हूँ बस, और क्या। लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट। हाँ, मेरी भी और किसी से नहीं जमती है, जमती है रास्ते की तो सिर्फ तेरे से। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना तो हमारी दोस्ती की जो बात है तो उसमें इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, और मतलब रास्ता मैं बताता हूँ, उसी रास्ते पे तुम चलते हो तो सही भी रहता है। अच्छा अच्छा, वो आगे ब्रिज है, ऊपर चढ़ना है कि नीचे? ब्रिज के, अरे ऊपर से जाना है कि? हाँ हाँ, मैं एक सेकंड आ जाएगा यार, जल्दी बताओ, ऊपर से जाना है कि नीचे से जाना है? ऊपर ले लो, ऊपर। ऊपर से ना? हाँ मैं बताता हूँ। हाँ सही है, सही है, पता था मुझे। से मुझे पूरा भरोसा है तेरे ऊपर, बट ब्रिज विज में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तू। हाँ तो सही था, और मैं क्या बोल रहा था, हम जो बात कर रहे थे कि हाँ दोस्ती में अगर बराबर की इज्जत हो तो रिश्ता अच्छा। अभी मुझे यहाँ से रास्ता बता, चुप एकदम। आगे से राइट, चुप रहे फालतू, पकड़ पकड़ करता रहता है, जब देखो तब कुछ ना कुछ कचर कचर, शांति से नहीं बैठा जाता है क्या? ऐसे यार ऐसे नहीं बोल सकते। अबे तेरी गाड़ी से उतर, गाड़ी से उतर। हाँ उतर रहा हूँ, आइंदा बैठना मत मेरी गाड़ी में गधा। अच्छा ठीक है। क्या भाई, मिले नहीं बहुत दिन से, कहाँ रहते हो आजकल? अच्छा अच्छा, आओ बैठो गाड़ी में, थोड़ा रास्ता बता देते हैं घर तो। तेरी नाम केला है मेरा, पर कभी अकेला नहीं रहता हूँ मैं, कभी दूध के साथ कभी किसी चीज के साथ, जो है मिक्स करके लोग मुझे खाते हैं, और टेस्ट के तो क्या ही पूछने। मेरा तो पता ही है तुम लोगों को, नाम मेरा आम है पर हूँ बहुत चीज खास। सही बात। अरे लोग याद रखते हैं पूरा साल, उम्मीद में राह देखते हैं मेरी। अरे सेब, एप्पल, तुम भी बताओ कुछ, हम लोग बात कर रहे हैं, तुम भी कुछ अपनी क्वालिटीज बताओ। अरे नहीं ठीक है, तुम लोग करो यार बात, ठीक है बताओ कुछ, बताओ तो। मेरी खास बात हेल्थ? अरे ये हेल्थ वेल्थ का मत बोलो यार, टेस्ट का बोलो, क्या टेस्ट कैसा है तुम्हारा? अरे क्या बताऊं यार, क्या बताऊं, पानी पिया तुम लोगों ने कभी? बस पानी को चबाओ तो समझ लो वही टेस्ट है मेरा। कोई बात नहीं है, कभी कभार एक आध टेस्टी किसी को कोई टेस्ट वाला एप्पल मिल जाता ना, आदमी जिंदगी भर याद रखता है कि कभी 1948 में खाया था एक टेस्टी एप्पल। बोलते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, उसमें हैप्पीनेस नहीं ऐड किया उन लोगों ने, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर एंड हैप्पीनेस अवे। चुप जाओ चुप। क्यों? टमाटर आ रहा है, टमाटर। ये क्यों आ रहा है यहाँ पे? है तो साथ का ही ना यार, सब्जियों के साथ घूमा करता है वहाँ, कभी हमारे फल फ्रूट समाज के साथ कभी खड़ा हुआ है किसी चीज में ये? अबे जात बिरादरी वाली बात मत करो यार। अरे टमाटर क्या हुआ? बहुत मारा मुझे। पिला गया होगा किसी सब्जी से, अपने ही लोग मारते हैं तो दर्द ज्यादा होता है। किसी फ्रूट ने हाथ उठाया तुम पर? कौन है बताओ? एवोकाडो ने। अरे एवोकाडो ने मारा यार, तुमको बड़े आदमियों के साथ तुम क्यों उठते बैठते हो यार? बस निकल गई हवा। तो क्या तुम लोग अपने साथ रखते नहीं हो सब्जियों के साथ? वो लोग बोलते हैं तुम फ्रूट हो तो कहीं तो जाके घुलूंगा मिलूंगा ना मैं। आ तुम यार हम लोग के साथ चलो। कल से फोर्थ क्लास तक के बच्चों की 6 महीने की गर्मी की छुट्टियां हैं, ठीक है? सर सिर्फ फोर्थ क्लास तक की क्यों, हम लोगों की भी छुट्टी करिए। तुम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं बचे हो, तुम लोग बड़े हो गए हो, ठीक है? फिफ्थ क्लास में हो, तुम लोगों को इतनी छुट्टियां नहीं मिलेगी। मिलेगी मिलेगी, तुम लोगों को मिलेगी 3 दिन की। कल से सिक्स्थ क्लास तक की सर्दियों की छुट्टियां हैं, पूरे 8 महीने की। और सर हमारी छुट्टी? अरे तुम लोग 7th क्लास में हो, कितने बड़े हो गए हो, 7th क्लास वालों को सर्दी लगती है भला? सर ये अनिल की लाश यहाँ 2 दिन से पड़ी है, नीला पड़ चुका है। नीला नहीं पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही खुशी के मारे नीला है। चलो अनिल उठो पढ़ाई करो। सारे 8th क्लास तक के बच्चे नीचे असेंबली हॉल में जाओ, नीचे ऋतिक रोशन और कैटरीना है, जाके उनका डांस देखो। चलो सर हमें भी जाने दीजिए डांस देखने। 9th क्लास में हो पागल हो, अगले साल बोर्ड्स हैं तुम्हारे, पढ़ाई करो बैठ के। चलो अरे चलो चलो जल्दी, ऋतिक पूरा शर्टलेस डांस कर रहा है, जल्दी चलो। 9th क्लास तक के सभी बच्चे जल्दी स्कूल से बाहर निकलो, स्कूल में बाढ़ आ गई है, चलो चलो। और सर हम लोग? तुम लोग 10th क्लास में हो, बोर्ड्स हैं इस साल तुम्हारे, इससे अच्छा तो डूब के मर जाओ, फेल होने से तो बेटर है। चलो 9th क्लास के बच्चे भागो, इन लोग को वो दे दो लाइफ जैकेट, नहीं है स्कूल के बैग में वो पहन के बेटा बैठे रहो, पढ़ाई करो, कोर्स कंप्लीट करना है ना, बोर्ड्स है। चल चल भागो भागो जल्दी। 10th क्लास तक के और 12th के बच्चे जल्दी स्कूल से भागो, स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो गया, जल्दी निकलो। सर हम लोग क्या अलकायदा से ट्रेनिंग लेके आए, हमें भी जाने दीजिए, 10th 12th वालों के भी तो बोर्ड्स है। अरे उनके बोर्ड्स है, उनको पता है, उनको पढ़ाई करनी है। तुम लोग जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, हम लोग उसे तो समझ आता नहीं तुम्हें। अभी अजमल कसाब सर आ रहे हैं पढ़ाने, बैठ जाओ सब अपनी जगह पे। सलमान को फोन लगा के दो यार। सर सलमान अपना? अरे सलमान दुबई वाले शेख जो है उनको। ओह ओके सर लीजिए। हाँ सलमान भाई सलाम अलैकुम। मैं कह रहा था 2 तेल के कुएं चाहिए थे इधर अपना होटल के सामने। पेट्रोल क्या करूंगा मैं, सरसों के तेल के चाहिए मुझे, भजिया तलनी रहती है, टूरिस्ट ज्यादा आ गए ना तो फिर दिक्कत होती है। बार बार 1-1 लीटर का पाउच लाओ सही नहीं लगता है। हाँ ठीक है देखो कुछ हो सकता हो तो। ठीक है भाई ठीक है। बढ़िया आदमी ये। और आज फ्राइडे है, परफॉर्मेंस के लिए कौन आ रहा है? सर वो शाहरुख से बात हो गई है। अरे यार शाहरुख, ये लोकल आर्टिस्ट का नाम मत बताओ मुझे, कुछ
उसको बुलाओ, क्या नाम उसका मैंने सुना था, एल्विस प्रेस्ले को बुलाओ। वो तो मर गया ना। कब? बहुत टाइम हो गया सर। अच्छा छोड़ो, उसको बुलाओ तुम, काने वेस्ट को। कानिए वेस्ट है वो। हाँ वही, जो भी है उसको बुलाओ के तो आके परफॉर्मेंस करेगा और उसके बाद चुपचाप जाएगा, ठीक है? हाँ मैं बोलता हूँ आ जाएगा, टाइम पे आ जाएगा वो। मैंने बोला था मेरे कुत्ते को कैवियार खिला देना, खिलाया कि नहीं उसको? हाँ सर, अभी सुबह खिलाया मैंने, 2 कटोरी दिया उसको, पूरा भर के खाया उसने। ठीक है चलो जाओ, और कुछ काम हो मेरे लिए तो बताना। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। सर वो पीएम सर आए। कहाँ के? कहाँ के मतलब क्या आपने? अच्छा अच्छा ठीक है, काम करो, बीच पे कुर्सी उर्सी डाल के बैठा लो उनको, चाय वाय पिलाओ, मैं आता हूँ। ठीक है जी सर, ओके। लुटपट गया।